झारखंड के 2400 जिले से आए पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जितने भी कर्मी हैं आज राजधानी रांची के धुरुआ स्थित जगन्नाथपुर मंदिर के मैदान के पास एकत्र हुए हैं और यहां से ये लोग विधानसभा घेराव करने की तैयारी में, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की संख्या में जो विभिन्न जिलों से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी पहुंचे हैं, वो इस तैयारी में है कि अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सके ताकि सरकार उनकी बातों को सुने, समझे और उनकी मांगों को पूरा करे। हम कुछ कर्मियों से भी बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ बातें जो है वो सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। रघुवर दास जी आए थे, अपनी बातों को उन्होंने रखा, पर आज स्थिति जो है रघुवर दासे का देन है। रघुवर दास जी अगर आज हम लोग को मानदेय लागू कर दिए रहते तो आज हम लोगों को ये इस सरकार में धरना प्रदर्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। पर फिर भी अगर मान लीजिए रघुवर दास जी हम लोग का बहाली लिए थे और हम लोग उनके समय में आए हैं, पर अभी का जो वर्तमान सरकार है उनसे निवेदन है कि आप द्वेष के भावना से काम मत कीजिए, क्योंकि आपने भी यही वादा करके आया था कि जितने भी झारखंड में अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी हैं सभी को 6 महीना में अस्थायी कर दिया जाएगा और सभी को मानदेय लागू कर दिया जाएगा। आपने जो चुनाव में वादा किया था अब आप पूरा कीजिए, यही हम लोग याद दिलाने के लिए आज हम लोग जो है अपना यहाँ विधानसभा का घेराव कार्यक्रम में आए हैं। मामला अटक कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री वार्ता ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जो है आज 20 दिन से राजभवन के पास बैठे हुए हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि मंडल से आप वार्ता कीजिए। पर बड़ा अफसोस के साथ बहुत खेदजनक है कि इतना सूचना देने के बाद भी जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है। पर हम लोग भी जो है आप देख रहे हैं कि जितने दूर दूर से हमारे साथीगण आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ मन में इच्छा ले कर आए हैं, और आज अगर वार्ता नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं और विधानसभा घेराव करेंगे। हेलो, आप सभी संसद भाइयों से मेरा हम लोग आज विधानसभा घेराव कार्यक्रम में प्रदेश कमेटी के आदेशानुसार जो है और हम लोग को जब तक मांग पूरी नहीं हो गई हम लोग विधानसभा में हम लोग आत्मदाह भी कर लेंगे। जब ऐसे भूखे प्यासे मर रहे हैं, सबको बच्चा पुत्र परिवार एज खत्म हो गया, 8 साल बाद किया हुआ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का चुनावी वादा भी था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग को देंगे, इसलिए वादा को वो पूरा करें। यही माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग जो है अनुरोध करते हैं। मेरा नाम सूर्यमोहन कुमार, गोड्डा जिला। हेलो, यहाँ पर हम सब जितना ही है आयल झारखंडी सब पक्का खतिया खाटी झारखंडी नौजवान ही है सब, और हम इनके जब चुनाव हुए लगल चुनाव के पहले हम इनके जो हेमंत सोरेन सरकार हथी से खुद अपन मैनिफेस्टो में लिख के दिलते लेकिन हमारा सरकार बनावा तू बनेबा तो तुरंत के हम अस्थायी करबो तो इनके मानदेय देबो, और आज वादा करके भूल गए थे तो वही याद दिया हमें आय लिया पूरे झारखंड से हमें 18,000 स्वयं सेवक है और हमें जितना गीदर नूनू सब यहाँ ये सब हमें यहाँ आए लिए और उनकर से खाली एक बार खाली मुंह से सुनल चाहो ये हमें कि हम इनके जैसे का तुरा जे वादा कर ले हाँ से हम इनके देवा कि ना देवा तू से हम इनके एक बार आके कह देते हैं, बस यही हम इनके मांग है। दिक्कत यह है कि सब हमें जब बाल बच्चा जो हम इनके गीदर छोटा छोटा हथी से इनके खाना खियावे तक हम इनके पैसा ना है, काहे कि समय पर जो भी पैसा प्रोत्साहन की बात बोले कमीशन की बात बोले वह कमीशन आज तक हम इनके बराबर ना मिलल है से हम इनके मांगे लेके कमीशन ना तो फिर एक बार आके बोल देते हम इनके कि तोरी इनके आज से छुट्टी तो हम सुन के यहाँ चल जब हाँ चल जब यहाँ से लगता है कि मिलने आ जाएंगे आप लोग इससे बहुत लोग रोज आते हैं। अब उनको अगर लगता है कि हम लोगों से हम इनके से अगर जरूरत होता है उनका तो फिर जैसे मिलता थी आके और तो फिर हमें भी अपन विचार करके कुछ रास्ता निकालवे हमें है अगला सरकार भी यही थे दगाबाजी बार बार करो हल वो आज अपन देख ले तो फिर हिसाब लग जाते हमें लगा दे हिसाब कर आपका बहुत बार बार निवेदन किया जा रहा है उगन भुइया है तीन आले तीन को मड़ांग मी महीना तक आले विधानसभा घेराव में तले हे कना मी महीना को आले धरना रे तहे लेना राजभवन समक्ष रे तो सरकार आले आ कथा बाय दो लेदा उना चलते दे तीन आले विधानसभा घेराव में तले सेटे रेना और तीन ले सेटे रेना और नी तो आले आ प्रोग्राम ना आके विधानसभा घेराव रेना और आले आ कथा में ना आके आले स्वयंसेवक संघ और स्वयंसेवक जितने भी
सनम जिला रेन झारखंड रेन स्वयं सेवक ले तिहले इकट्ठा होकर नोड़े जमा होकर नले और आले मांग है ना मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ठे मांग है ना तलिया कि आम चुनाव समय रे जो वादा लेदा उना वादा तिहिन आम पूरा में और ले ले में कि आले नवा मेंतल है कना कि आले आम अस्थाई लम आम जो मेन लेदा कि आम अगर यही सरकार हजू आम एनखा जो अस्थाई पिया तिहिन स्वयं सेवक रे मतलब सनाम को ज्यादा झारखंड रेन युवा हेना ले यार ग्राम पंचायत को लेहे कना कटी कटी आतू को लेहे कना इन निया की मैं निना दिया मुख्यमंत्री जी ठे को कि आम अगर झारखंड युवा अगर हम खोज दा उनको दाड़े हम खोज दा और आले आज जो तीन मजबूत के तले हम इनका तो आम अस्थायी तले में आले मांग हेना तले उन्हें दोहे तले में तब खान आले ले आम लगी दुआ बका जो नुआ हिजू का नुआ 2024 रे आले हो आम लगी तले सोच ले ना अरे सोच दाड़े आ 2024 रे आले हो जेल का रघुवर दास ले ओचो ले दिया उनका लेका आले हो अतु अतु टोला टोला रे रैली आले विचार आले विमर्श आले सना मंजे हराम तला ले दुड़ुआ और आले आम ओचो मेरा आले कुरुमटुया अगर आले आ बाम ले नेदा उनका पंचायत सब आम आइलम आले आम ठे कोई नियग ले को इन करते कि इंदो झारखंडी जोहार नियमित करना होगा, पंचायत सचिवालय को मानदेय लागू करना होगा, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है, प्रदेश कमेटी जिंदाबाद, आवाज तो हम एक हैं, हमारी मांगे जायज हैं, हमारी मांगे जायज हैं। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट के तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम क्लास 8 से 12 तक की तैयारी NTSC ओलम्पियार्स KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स टेंशन नहीं लो CSI आओ Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dip Deep Bypass Road, Ranchi.